चुनाव का शंखनाद हो गया है, तारीखों का भी ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जो है चुनाव होंगे। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भाजपा ने सांसद संतोष पांडे को दोबारा मौका दिया है। जानते हैं जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और किस तरीके से वो इसको लेकर वोट करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। जी बताएंगे किन मुद्दों को लेकर आप लोग जो है मतदान करेंगे और क्या स्थिति देखते हैं राजनांदगांव में। देश की बात करें तो विकास के मॉडल को लेके ही लोग देश में मोदी जी को वोट करेंगे। और मैं अगर स्थानीय मुद्दों की बात करूं तो राजनांदगांव की अगर हम बात करें तो हमारे जो सांसद के प्रत्याशी हैं वो माननीय संतोष पांडे जी हैं। और मैं तो केवल एक ही शब्द बोलना चाहूंगा संतोष पांडे जी के लिए, चाहे वो विकास की गाथा हो, चाहे वो डेवलपमेंट का मॉडल हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, उसमें संतोष पांडे जी अव्वल दर्जे के व्यक्ति हैं। चाहे उनकी शालीनता हो, चाहे उनकी छवि की बात हो, वो सभी मामलों में एकदम ग्राउंड लेवल के व्यक्ति हैं जो सबसे मेल जोल बनाकर चलते हैं। और वही बात भूपेश बघेल जी की, तो आप सभी चित परिचित हैं कि उनके स्वयं के कार्यकर्ता उनको ये बोलते नजर आते हैं कि आप लोग 5 लोग कमरे में बैठ के निर्णय कर लेते हैं, कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। वहीं संतोष पांडे जी की बात करें तो वो कहीं भी किसी भी वक्त अगर कोई कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहता है, भेंट करना चाहता है, तो किसी भी वक्त वो अवेलेबल रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे शालीन व्यक्ति के पक्ष में ही लोग अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। और बात होती है कि राजनांदगांव के विकास की, तो आप देख सकते हैं कि राजनांदगांव में अगर सांसद जी के प्रति विकास की बात की जाए तो चाहे वो रेल मार्ग की बात हो, चाहे वो मोदी जी के शौचालय योजना की, चाहे वो आवास निर्माण की बात हो, चाहे वो आप हर एक क्षेत्र की बात करें, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर की बात हो, चाहे वो स्वनिधि योजना की बात हो, लोगों को विकास की ओर खींचने का काम, लोगों को ढकेलने का काम, लोग जो बोलते हैं ना कि हम अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी है, ये है वो अन्य, ये मोदी जी ने इतनी सारी योजना लाई है, विष्णुदेव सरकार जी ने कुछ महीनों में ही इतनी सारी योजना उपलब्ध कराई है कि लोग उसके प्रति आकर्षित हैं और उस ओर आकर्षित होकर ही वो आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। और भाजपा को भारी बहुमत से, संतोष पांडे जी को 3 लाख से अधिक मतों से राजनांदगांव में विजयी बनाएंगे। बस यही मैं, आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव लेकर, बीते 5 साल में जो है कांग्रेस रही है, क्या कार्य हुए हैं और क्या अभी सोचते हैं कि राजनांदगांव में और क्या होना चाहिए? मुझे लगता है राजनांदगांव की जनता को कांग्रेस के प्रत्याशी घोषणा के पहले 2 जो इशू थे उस पर वोट करने वाले थे। एक तो मोदी जी को लाना है और दूसरा संतोष जी को जिताना है। जब से भाजपा कांग्रेस की प्रत्याशी भूपेश बघेल जी की घोषणा हुई है चुनाव में, मुझे लगता है नांदगांव की जनता को तीसरा मुद्दा मिला है जो कि है भूपेश बघेल को हराना है। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो राजनांदगांव जो संसदीय क्षेत्र है उसकी जितनी अनदेखी हुई और उसको जिस पैमाने पर संतोष पांडे जी ने केंद्र की योजनाओं को राजनांदगांव पर ला करके जो उतारने का काम किया है, बहुत ही सराहनीय रहा है। दूसरा, केंद्रीय स्तर पे जाते, व्यापक पैमाने पे जाते हैं तो जैसे कि हम 2014 के पहले देखते थे आतंकवादियों का जो घटनाएं होती थी वो कहीं भी हो रहे, बम फट रहे हैं, कहीं भी आतंकवादी घुस जा रहे हैं, मुंबई जैसे शहर में जो कि सबसे साफ सुथरा और सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, वहां पे आतंकवादी घुस करके 4 दिन तक के बिल्कुल दहशतगर्दी मनाए थे। तो ये सारे मुद्दे अब कहीं, और हम बॉर्डर देखते हैं, समुद्र के रास्ते से आए थे तो आज समुद्र पे कहीं फेंसिंग तो नहीं लग गई है, कुछ हो तो नहीं। तो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है ये हमेशा रहेगा, सर्वोपरि रहेगा। दूसरा, स्थानीय मुद्दों पर जब आते हैं तो हमारे जो सांसद रहे संतोष पांडे जी 5 साल बेहद सक्रिय रहे, बेहद वो जनता से जुड़े रहे। जो भी योजना, प्रसाद योजना ले लीजिए आप, नल जल योजना ले लीजिए, आवास योजना ले लीजिए, और संसद में जा करके उनकी जो एक्टिवनेस देखी राजनांदगांव की जनता ने, सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो जुड़े रहे सभी से, तो मुझे लगता है कि जनता के बीच जुड़े रहने का उनको बिल्कुल फायदा होगा। और भूपेश बघेल जी के प्रत्याशी घोषणा होने के पहले तो 1 लाख वोट से हमें लग रहा था जीतेंगे, लेकिन जब से भूपेश बघेल जी यहाँ पे आए हैं प्रत्याशी घोषित होते हुए, मुझे लगता है 2.5 से 3 लाख वोट से वो पक्का जीतेंगे, क्योंकि राजनांदगांव की जनता इनसे खुश है, वो तो ठीक है, लेकिन भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल राजनांदगांव का शोषण किया है
उससे नाराज ज्यादा है। जनता का कहना है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल से लोग नाराज हैं, लेकिन राजनांदगांव में भी कई ऐसे कार्य हुए हैं जो कांग्रेस शासन काल में हुए हैं। केंद्र सरकार की भी कई सारी योजनाएं हैं जो यहां चल रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, जानते हैं कि क्या सोचते हैं इसको लेकर। जी बताएंगे, लोकसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं इसको, 5 साल में क्या काम हुए और अभी क्या चाहते हैं? जी, 5 सालों में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है वो 15 साल की सरकार ने नहीं किया। जैसे कि राजनांदगांव जिले को जिला में एक मोहला मानपुर देना, एक खैरागढ़ छुईखदान गंडई देना, दूसरी बात आत्मानंद स्कूल खोलना, जो कि गरीब बच्चे जो स्कूल में पहले जाते थे वो स्कूल और अब की स्कूल में, मतलब 15 साल और 5 साल की जो विकास कार्य हुए हैं उसमें भूपेश बघेल जी अव्वल है। भूपेश बघेल जी को उनके कार्य का, उनके मेहनत का, जो राजनांदगांव को दिए हैं उसका वोट मिलेगा। किस तरीके से टक्कर रहेगी इस बार दोनों प्रत्याशी जो है मैदान में, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए, पूर्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी जैसी बात हुई कि विकास को लेके राजनांदगांव में, तो मैं कहूँगा कि एक भी विकास नहीं हुआ है राजनांदगांव में। पुराने जो योजनाएं थी वो सब योजनाओं के तहत जितने पैसे थे फंड में वो अपने सरकारी फंड में उन्होंने वापस मंगा लिया था, और जितनी सरकारी भवनें बनी थी वो सरकारी भवनें जो हैं वो भवन का भी निर्माण अधूरा छोड़ा है, और राजनांदगांव के विकास के लिए तो एकदम सौतेलापन ही किया है। और संतोष पांडे जी जो हैं वो सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़े हैं, और वो अभी भी राजनांदगांव के लिए, विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और भूपेश बघेल जी से तो मैं कहना चाहूँगा कि वो युवाओं से भी छल किया है और रोजगारी के मुद्दे में भी छल किया है, किसानों से भी छल किया है, पता नहीं किन किन को छला है। तो इस बार जनता उन्हें तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी, और संतोष पांडे जी तो उन्हें भारी बहुमत से परास्त करेंगे। युवा है आप, किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा में वोट करेंगे इसको लेकर? मुद्दे की बात करें तो तमाम प्रकार का मुद्दा है, और इसमें हमारे जो संतोष पांडे जी जो है राजनांदगांव के जो सांसद जी हैं उन्होंने तमाम प्रकार के काम किया, चाहे यात्रियों के लिए हो, रेल की सुविधा की जो बात हो रही है, सुविधा जो है उनको भी सुविधा के तौर पर यात्रियों के लिए भी रेल, जो ट्रेन यहाँ रुकती नहीं थी उसको भी उन्होंने रुकवाया। जनता का हर मुद्दा को लेकर सदन तक उन्होंने उठाया है, और संतोष पांडे जी निश्चित ही यहाँ इस बार जीत रहे हैं, और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार फिर से। जी बताएंगे आप राजनांदगांव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या और यहाँ काम होने हैं जो बच गए हैं पिछले कार्यकाल में नहीं हुए, अभी वर्तमान में आप युवा हैं क्या सोचते हैं इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, पिछले कार्यकाल में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ था, चाहे वो, बल्कि भूपेश बघेल जी ने जो यहाँ ऑफिस है, चाहे कुछ जो रोजगार का ऑफिस है या और भी जो ऑफिस है, उनको यहाँ से दुर्ग ले जाने का काम किया, रायपुर ले जाने का काम किया, तो ये विकास नहीं कहलाता है। विकास तो आप करेंगे ही नहीं तब तक नहीं होगा, जनता के लिए विकास करना था आपको जो आपने नहीं किया, और राजनांदगांव की जनता निश्चित ही जान चुकी है कि भूपेश बघेल जी ने पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए संतोष पांडे जी ने सदन से लेकर तक के जनता के तक की लड़ाई लड़ी है और वो लड़ते रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि इस बार सांसद संतोष पांडे जी लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतेंगे, और भूपेश बघेल जी निश्चित ही यह चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने यह मान लिया है, उनको जब से टिकट मिला है वो हथियार रहे हैं कि मैं हार मान चुका हूँ, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, उनको पता चल चुका है, उनके कार्यकर्ता कहीं, जब उनका काम नहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ की जनता का क्या काम होगा पिछले 5 साल में। इसलिए संतोष पांडे जी ये चुनाव जीत रहे हैं, और निश्चित रूप से हम आपकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। कुछ और युवा हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या सोचते हैं राजनांदगांव को लेकर, राजनांदगांव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या चाहिए आपको राजनांदगांव में जो अभी तक नहीं मिल पाया? मैं केंद्र की योजनाओं को लेकर बोलूंगा कि जिस तरह से हम युवाओं को खेल के ऊपर एक रहता है उत्साह, संतोष पांडे जी द्वारा, केंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे खेलो इंडिया के तहत हमारे स्कूलों BPS और युगांतर स्कूल को खेलो इंडिया के द्वारा चयनित किया गया है, इससे हम लोग को बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा, और संतोष पांडे जी हमारे 300 पार ही वोट लाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तो मेरा एक ही मत है, इस बार मोदी की गारंटी हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए चलेगा ही, क्योंकि आने वाला टाइम में मोदी का ही सरकार बनेगी और हम बना के रहेंगे। मोदी की गारंटी और अन्य मुद्दों को लेकर, और पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में जो है लोगों का कहना है कि राजनांदगांव में कोई काम नहीं हुआ है, इन मुद्दों को लेकर जो है इस बार लोकसभा का चुनाव जो है लड़ा जाएगा, और राजनांदगांव की जनता का कहना है कि इस बार मोदी की गारंटी और जो पिछले कार्यकाल है उसमें काम नहीं हुए हैं, ये आरोप लगाते हुए जो है मतदान किया जाएगा। हमारे साथ कॉलेज के छात्र मौजूद है, जानते हैं कि क्या सोचते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, और
क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से उनकी, और किस तरीके से वो है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे, इसको लेकर कॉलेज के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे जी, बताएंगे क्या सोचते हैं इस बार लोकसभा चुनाव जी। बिल्कुल, मैं एक छात्र हूँ तो छात्र के हित में देखते हुए बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कॉलेज में जो बहुत जो सीट है उनको बढ़ना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि बिजली है, पानी है, अभी गर्मी दिन में थोड़ी सी वो हो रही है, उसको वहाँ पे हमारे कॉलेज में सीट बननी चाहिए। और जो कि विद्यार्थियों के कुछ सीट है जहाँ पे छत्तीसगढ़ी में एमए की जो मांग है यहाँ होनी चाहिए, और ऐसे कई विषय जो मूलभूत सुविधाएँ हमारे कॉलेज मिलनी चाहिए। जैसे कि मैं यह हूँ तो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रोजगार का अवसर हमें देना चाहिए, जैसे कि हम लोग यहाँ एमए फाइनल कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें जो पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से जो क्लास है उसके हिसाब से हम लोग को नौकरी और रोजगार देने के सरकार को अच्छा कदम उठानी चाहिए, बताना चाहिए। और कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। हम लोकसभा चुनाव को लेकर के जो हम युवाएं हैं, विद्यार्थी हैं, वो ये सोचते हैं कि अभी जो वर्तमान सरकार जिस प्रकार से युवाओं को लेकर काम कर रही है वैसे ही काम करना चाहिए। जिस प्रकार से लोन दे करके युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक की उसमें छूट सहित, सब्सिडी सहित युवाओं को एक संबल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार से योजना लाई गई है, ऐसे ही और नवीनतम योजना लाना चाहिए। ये सरकार की बहुत अच्छा योजना है, और साथ ही साथ युवाओं के लिए जो अभी नया विद्यार्थियों के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी रोजगार मूलक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको अगर हम शिक्षा जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना चाहिए। अभी कॉलेजों में लागू हुआ है, दिग्विजय महाविद्यालय में, अभी अगर महाविद्यालय में देखते हैं तो दिग्विजय महाविद्यालय में लागू हुआ है, लेकिन साथ ही साथ और महाविद्यालय है जैसे साइंस कॉलेज है ना, कमला कॉलेज है, ऐसे अनेकों महाविद्यालय है, उसमें भी जल्द से लागू करके ये नया शिक्षा नीति उसको लागू करके युवाओं को अच्छा शिक्षा कैसे ले सकते हैं, रोजगार मूलक शिक्षा कैसे ले सकते हैं, चहुमुखी विकास का शिक्षा कैसे ले सकते हैं, उसको केंद्र शासन ने बहुत अच्छे से भाप करके हम युवाओं को दिया है, उसके लिए हम केंद्र शासन को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी प्रकार की योजनाएं केंद्र शासन विद्यार्थियों के लिए लाए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आप क्या सोचते हैं युवा होने के नाते क्या होना चाहिए लोकसभा चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? युवाओं को सबसे पहले रोजगार की जरूरत है, रोजगार होना चाहिए, और हमारी सरकार रोजगार के हित में काम करते नजर आ रही है, और हमेशा युवाओं को लेके ही हमारी सरकार काम करेगी, अब की बार 400 बार। अब कुछ और युवा है हमारे साथ, फर्स्ट टाइम वोटर भी मौजूद हैं जो फर्स्ट टाइम जो है अपना मतदान करेंगे, उनसे जानते हैं कि फर्स्ट टाइम वो इस बार वोट करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं जी, बताएंगे आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगे क्या सोचते हैं युवाओं को लेकर? फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहा हूँ इस उम्मीद से करने जा रहा हूँ कि मेरे को रोजगार मिल सके, तो मैं सोचता हूँ कि मैं जिसे भी वोट दूँ वो हमारे लिए कुछ करे, हम जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए रहता है जो ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए कुछ कर सके, तो वो सोचकर मैं वोट देने जाऊंगा, और जिसे भी वोट दूं वो हमारे कार्य को मतलब करे और रोजगार देने की कृपा करेंगे, ऐसा सोच है हमारी बस। और फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे भी जानते हैं क्या सोचते हैं आप फर्स्ट टाइम? मैं एक छात्र हूं और मैं फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहा हूं, और मैं एक्साइटेड हूं कि मैं फर्स्ट टाइम वोट दे रहा हूं, और मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि वो रोजगार और शिक्षा को लेकर एक अच्छा योजना आए तैयार करे। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे इस बार, मैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, उनको क्या अपील करना चाहेंगे वोट करने के लिए? निश्चित ही कि सब छात्र जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं वो अपने बढ़ चढ़ के इस वोट के लिए हिस्सा ले, और मतलब अपना राय प्रस्तुत करे और अपना वोट दे, और सरकार से यही उम्मीद रखे कि रोजगार और शिक्षा बेहतर हो सके। आप क्या सोचते हैं, आप भी छात्र हैं, क्या होना चाहिए, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में? सबसे पहले तो हम खुश हैं कि हमें इस बार मौका मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव में हम अपने पसंदीदा सरकार को जिताए। जैसा कि हम वर्तमान में देख सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ बीजेपी की सरकार 33,000 पदों में शिक्षा की भर्ती के लिए और 5 या 10 हज़ार पदों में पुलिस भर्ती के लिए नए नए रोजगार और शिक्षा के स्तर पर भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो हम यही उम्मीद लगाते हैं कि हमारी आने वाली भी बीजेपी सरकार, हम वोट देकर जिसे जिताएंगे, वो हमारे लिए अच्छे अच्छे रोजगार और शिक्षा के साधन उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ मेडिकल स्तर पर भी ख्याल रखना चाहिए, और बस और कुछ नहीं। हम बीजेपी का और कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे क्या क्या सोचते हैं आप? क्या हम युवा एक तो शिक्षा रोजगार के विषय में सोचते हैं, किंतु साथ ही साथ हमारे देश के सुरक्षा का भी विषय हमारा विषय है, हम युवाओं का विषय है, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट चुनते हैं तो हमारे देश के सुरक्षा को लेकर के, हमारे देश में हमारे जिस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम किया है, और साथ ही साथ हमारे आस्था का केंद्र
हमारे धर्म का केंद्र, हमारे बोलते हैं जिसको प्राण, तो ऐसे प्राण, धर्म प्राण हमारे प्रभु श्री राम का स्थापना अयोध्या में हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके कारण से हम युवा भी बहुत उत्साहित है कि आने वाले समय में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम युवा वोट करेंगे। ऐसे हम सभी युवा उत्साहित हैं उनको वोट करने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर युवा उत्साहित हैं, हमने कॉलेज के छात्रों से बात की, युवाओं से बात की, इसमें कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी थे जिनका कहना है कि फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए वो पूरी तरीके से उत्साहित हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर मतदान जो है करेंगे। हम अभी मौजूद हैं राजनांदगांव शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले मानव मंदिर चौक में। कुछ लोग, जनता हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में इस बार वो मतदान करेंगे और राजनांदगांव को लेकर वो क्या सोचते हैं। जी बताएंगे, राजनांदगांव लोकसभा को लेकर क्या सोचते हैं। आज की तारीख में तो मोदी की गारंटी है सभी जगह, और मोदी जी जैसा कोई मिलेगा भी नहीं दूसरा, न कहीं भी कोई भी पार्टी में दूसरा कोई कैंडिडेट है ही नहीं उनके साथ। आप क्या सोचते हैं? हम हमारा ये सोचना है कि कांग्रेस में इतने दिन से यहाँ कांग्रेस जो कार्य करते हैं उनको ना कभी विधानसभा विधायक का टिकट मिलता है, सांसद सब बाहरी व्यक्ति ला के थोपे जाते हैं। क्या कांग्रेस में इतना मतलब एक उम्मीदवार भी पैदा नहीं कर सकते कांग्रेस पार्टी लोग? ये मोदी गारंटी चलेगी और संतोष पांडे पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं राजनांदगांव? अगर सच बोला जाए तो सरकार के प्रति अब लोगों में विश्वास नहीं रहा। हालांकि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़े पार्टी है, दोनों के बीच में ही चुनाव का फैसला होना है, लेकिन सच बोलोगे तो ना कांग्रेस आज के तारीख में उचित है ना भाजपा उचित है। दोनों चापलूसी के चलते मुख्य मुद्दा से भटक चुके हैं। शिक्षा और रोजगार बात करना, रोजगार की बात करना तो भूल ही चुके हैं। एक तरफ भाजपा धर्म की बात करता है तो दूसरे तरफ कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है। लगे फल अभी जो वर्तमान में जो लोग खड़े हैं उसमें संतोष पांडे पूरी तरह निष्क्रिय सांसद रहा है, जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उनका पूरा जीरो रहा है। वहीं भूपेश बघेल पूरी तरह किसान हितैषी चेहरा रहा है, तो नो डाउट लोगों को यहाँ कर यहाँ सांसद चुनना चाहिए और जो जिले का काम करे, जिले के विकास की बात करे, जिले के मुख्य मुद्दों की बात करे, उन्हें चुनना चाहिए। ये मेरा तीसरा विकल्प होना चाहिए लोगों का, कायदे पर तीसरा विकल्प नहीं है, तीसरा विकल्प तो होना चाहिए लेकिन तीसरा विकल्प का ग्राउंड नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि भाजपा और कांग्रेस के को ही चुनना है। पर दोनों में कॉन्फिडेंशियल चुनाव नहीं है कि कौन चुन जाएगा। राजनांदगांव के विकास के लेकर संतोष पांडे का कार्यकाल बहुत ही जीरो रहा है। 5 साल मोदी की सरकार रहने के बाद भी जो उन्हें करना चाहिए था नहीं कर पाया है, तो कायदे से संतोष पांडे को रिपीट करना भाजपा के लिए भारी नुकसान की संभावना दिखाई दे रहा है। आप क्या बोलते हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर, क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनाव आज देश में जो विकास हुआ है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को ही वोट देना चाहिए, क्यों कि सनातन धर्म के लिए और देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी ही उचित है, और जो देश हित और धर्म हित को चाहते हैं वो तो अवश्य नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, और जो स्वयं का स्वार्थवशी जो राजनीति करते हैं वही लोग कांग्रेस वोट देंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे इसको लेकर, क्या होना चाहिए? देखिए, राजनांदगांव के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं संतोष पांडे जी, उनकी खुद की कोई ऐसी खासी उपलब्धि है नहीं इन 5 साल की, और जिसको कि वो जनता के बीच जा सके, अपना काम बता सके, इसलिए वो अपने काम से वोट नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण की जनता है उनसे असंतुष्ट है, उनके खुद के जिले के कल परसों की बात है लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, बोले कि सिर्फ 2 किलोमीटर रोड बनानी थी। संतोष पांडे तो 5 साल में झांकने नहीं आए, भाजपा ने उन्हें टिकट क्यों दिया हमें नहीं पता। अब ये सब स्थिति संतोष पांडे जी की है, जो कि बड़े निष्क्रिय एक नाम से जाने जाते हैं। भूपेश बघेल की उसके अलावा एक तेज तर्रार इमेज है और काम कार्यशैली उनका 5 साल लोग देख चुके हैं, उनकी पहचान के मोहताज नहीं है। और निश्चित रूप से अगर यहाँ से जाते हैं और सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो ये मंत्री बनेंगे तय है। और इस बार स्थिति भाजपा की उतनी अच्छी नहीं जितना वो कहते हैं, 400 पार वो जरूर कह रहे हैं लेकिन उनके खुद की इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि 214-215 सीटों से ऊपर उनकी इस बार नहीं आने वाली है। साउथ इंडिया में वो जीरो हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो उनसे नाखुश हैं उनसे वो, और उसके अलावा बस ये उत्तर प्रदेश और बीच के कुछ स्टेटों जो उनकी सरकार है उसके भरोसे चुनाव लड़ने उतरे हैं। और उसके अलावा जो ये बात करते हैं कि 400 पार करने की, उसके खुद का कोई आधार नहीं है। राजनांदगांव की बात करें तो संतोष पांडे बहुत पीछे हैं भूपेश बघेल से। अगर कार्यशैली की बात की जाए, आज ट्रेनें रद्द हो रही हैं,
फिर अभी आप कल ट्रेनें कहीं रद्द हो गई, जब जब त्यौहार आता है तब तब ट्रेनें रद्द होती हैं। उसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों का कोई माई बाप नहीं है। यहाँ से रायपुर भी अगर कोई दिल्ली अप डाउन करता है व्यक्ति, तो उसकी हालत क्या है उसको पता है, क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक बार भी ऐसा कोई सवाल लोकसभा में उठाने काम नहीं किया कि यहाँ के रेलवे सुधार हो सके। लोग बोलते हैं मालगाड़ियाँ जल्दी निकल जाती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ लेट होती हैं, लेकिन सांसद सुनने को तैयार नहीं। तीसरे मोर्चे की बात जनता कर रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? दोनों पार्टियों को लेकर जनता ने जो है कहा है तीसरा मोर्चा विकल्प होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? तीसरा मोर्चा विकल्प होना चाहिए, लेकिन तीसरा मोर्चा है ही कहाँ? तीसरा मोर्चा कहीं दिखाई दूर दूर तक नहीं देता है। कांग्रेस की एक विकल्प दिखाई दे रही है राजनांदगांव में विकास के लिए, बाकी संतोष पांडे के पास मोदी की गारंटी और जरूरत जुमलों के अलावा कुछ नहीं। निश्चित तौर पर राजनांदगांव की जनता का कहना है कि बीजेपी एक तरफ मोदी की गारंटी और जो है कांग्रेस भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकालों को लेकर जो है चल रही है, और इस बार लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव दिलचस्प है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा ने सांसद संतोष पांडे को दोबारा मौका दिया है। देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और जनता किसको लोकसभा तक जीत कर पहुंचाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में राजनांदगांव लोकसभा सीट में जो है चुनाव होने हैं। सूर्यकांत यादव, NDTV, राजनांदगांव।